Hello everyone, how are you all my dear students? So this is going to be the third video. हम चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे और इसके दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ द पार्ट 3 एंड ऑल अदर डिटेल्स ऑफ द वीडियोस आर ऑलरेडी मेंशन. सो हेयर लेट मी गो विद द क्विक रिवीजन. जो मैं अभी तक के आपको पढ़ा चुकी हूँ, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सृजन बायोलॉजी ऑफ क्लास 8, डिफ्रेंसीशन फिगर पॉइंट जो टेबल दिया हुआ है 5.1, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस टेबल नंबर 5.2 पे जो दिए हुए थे ये हमने डिस्कस करे थे. उसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं, टारगेट्स ऑर्गन किसे कहते हैं, एक्टो हार्मोन्स जो बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं वो क्या होते हैं, एंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड इस चैप्टर में हम चार ग्लैंड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ थायरॉइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी, जिसमें से हम तीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड यू ऑल नो कि उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि वो बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पेनक्रियाज की, राइट. तो पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. तो ये स्टमक जो हमारा है, स्टमक के नीचे जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको पेनक्रियाज बोला जाता है. ड्यूडनम का जो ये यू शेप फॉर्म होता है इसके अंदर इस एरिया में पेनक्रियाज लोकेटेड होता है. इट इज़ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. नाउ What do you understand by the term heterocrine gland? तो just a second, heterocrine का मतलब होता है कि ये endo भी है और exo भी है. It possesses both the properties. It acts as a endocrine gland as well as a exocrine gland, right? Location क्या है, it lies along the posterior margin of the stomach in the loop of duodenum. जो duodenum के loops हैं उसमें ये पाया जाता है, as you can see in the diagram also. After that, what are the functions of pancreas? Its exocrine part हमने अभी बताया कि ये दोनों के जैसे act करता है. तो जो इसका exocrine part है वो क्या secrete करता है और endocrine जो part है वो कौन से hormones secrete करते हैं. So the exocrine part produces the pancreatic juice which is carried out by the pancreatic duct into the duodenum. मतलब क्योंकि ये एक्सोक्राइन है सो ऑब्वियसली इनका जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डक्ट्स में हो रहा है. एंड थ्रू दैट द सिक्रीशन ड्यूडनम, दैट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, उसमें पहुँचता है किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू. इट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन. और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं इनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज, ये कंटेन करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स जिनको आइलेट्स ऑफ लिंगरहैन कहा जाता है. दे सिक्रीट द हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, दैट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. हेयर यू कैन सी, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, अल्फा, बीटा, डेटा सेल्स, यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं. और ये अलग अलग सेल्स अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं. डायबिटीज़ इज ट्रीटेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन हार्मोन इन रिक्वायर अमाउंट. ओवरडोज ऑफ इंसुलिन मे कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक. According to the latest 2016 data given by WHO, there are more than 422 million diabetics in the world, out of which 69.2 million are Indian. तो ये भी डायबिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे डायबिटीज़ जो हो जाती है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आजकल दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, डायबिटीज़. और अगर इंसुलिन बॉडी में बढ़ जाता है सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया.
राइट। तो इंसुलिन कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन जो ये हार्मोन सिक्रीट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, इसका काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना एंड इनटू द ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लिवर सेल। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर सेल्स में और मसल्स में स्टोर होना। Does it maintains a proper level of glucose in blood? तो इससे क्या होता है कि जब ये proper secrete होता है तो हमारी body में जो glucose का level है वो maintain रहता है। Now what happened कि इसके hyposecretion, hypo का मतलब क्या है, जब उसकी कमी हो जाए, और hypersecretion means जब वो बढ़ जाए। So hyposecretion of insulin, उसके secretion से क्या होता है कि blood में glucose level बढ़ जाता है which is then excreted in the urine, और यूरिन के थ्रू वो पास आउट होने लगता है। दिस डिज़ीज़ इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मिलिटस, और इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मिलिटस। आफ्टर दैट अगर हाइपर सिक्रेशन इंसुलिन का हो जाता है तो उसका उल्टा कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाएगा एंड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लो होने के वजह से पर्सन कैन गेट अनकॉन्शियस एंड एज वेल एज द बॉडी में कोलैप्स, राइट। उसके बाद जो सेकेंड हार्मोन सिक्रीट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, दैट इज़ ग्लूकागॉन, एंड ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन का, अपोजिट है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, उसका उल्टा काम करता है कि जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना टू रेज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो जो बॉडी ब्लड में आपको ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। Here you can see proper chart is given, जिसमें जो चारों glands हमने discuss करे हैं उनका location, उनके जो hormones हैं as well as the function बहुत important है। This you have to go through this chart properly। जैसे thyroid gland, it is located in the neck region at the base of the larynx, कहाँ पर present है, larynx के base में। Hormone जो secrete कर रहा है that is thyroxine hormone। Function क्या है, लाइफ के जनरल प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इन सब को कंट्रोल करना। और डिफिशेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म, एडिसन, कुशन सिंड्रोम्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये कुशन सिंड्रोम और एडिसन तो एड्रिनल ग्लैंड का है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्स जो थायरॉयड ग्लैंड में होता है उसमें क्रिटिनिज्म, और हाइपर सिक्रीशन से मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाना, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, आँखों का फूल जाना। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ये किडनी के ऊपर पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के जैसा प्रेजेंट होता है। दो तीन हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज़ कॉर्टिकॉइड्स, एंड जो मेड्यूला से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं दैट इज़ एड्रिनलिन, एंड दूसरा है नॉन एड्रिनलिन। तो कॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट वाटर, अमाउंट ऑफ यूरिन, एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो हमारी बॉडी में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी डेवलप होते हैं उनको कंट्रोल करना। एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है, बॉडी को प्रिपेयर करता है कोई भी क्विक एक्शन के लिए, स्ट्रेस, हार्ट बीट एंड शुगर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, कुशन सिंड्रोम्स, एंड हाइपो सिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज, ठीक है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना और ओबेसिटी, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये हाइपोथैलेमस के बेस से अटैच्ड है और एक मटर के दाने के इतना होता है। ट्रॉपिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स में जो थायरॉइड का मतलब इनके जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, एंड ये जो थायरॉइड हैं या गोनाड्स, टेस्टीज और ओवरीज, इनके सिक्रीशन, इनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपेरेसिन, वैसोपेरेसिन क्या करता है कि हमारी बॉडी से जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करता है, एंड ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड इन द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, इन सारी चीज़ों में ऑक्सीटोसिन इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। एंड ग्रोथ हार्मोन, यू ऑल नो दैट ग्रोथ हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पर्सन, अगर उसकी कमी होती है सो द पर्सन सफर्स फ्रॉम ड्वार्फिज्म, एंड अगर बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो जाइंट जिजेंटिज्म,
they lead to such conditions. After that, pancreas, that is the last gland in the loop of duodenum. एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो ड्यूडनम का स्ट्रक्चर है वहाँ पे लिफ लाइक इनके हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, एंड ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं. ऑलराइट, तो ये सारे जो भी हमारे मेन ग्लैंड्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. अब चेक पॉइंट वन हम डिस्कस करेंगे. मास्टर ग्लैंड क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का, सबको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड. डक्टलेस ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड. एमरजेंसी हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन. हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉर्टिकोकॉइड्स. तो आई होप चेक पॉइंट वन में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके, इसके बाद हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग, कि इंस जो किस तरह से हमारी ग्रोथ होती है. इसको चार फेजेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहली स्टेज इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, जिसमें ज़्यादातर आप लोग जो अभी हो एडोलेसेंट की एज में हो, एंड आफ्टर दैट जो लास्ट फेज है दैट इज़ द अडल्टहुड. राइट, तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो जब एक बेबी की बर्थ होती है फ्रॉम दैट टाइम टिल द एज ऑफ 2 ईयर्स, जो ये फेज है इसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं. इट इज़ द फर्स्ट एंड रैपिड ग्रोथ फेज, और इस वक्त जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, बहुत फास्ट होती है. एंड ये जो इन्फेंसी की एज है ये 2 साल तक के चलती है. आफ्टर दैट सेकेंड फेज जो आती है दैट इज़ द चाइल्डहुड. Childhood begins from the age of 2 and last until 11 to 12, मतलब 11 से 12 साल तक के, 2 साल से लेके 11 से 12 साल तक के जो आप सब होते हैं, बच्चे होते हैं, वो childhood की स्टेज में आते हैं, फेज में आते हैं. और इस वक्त जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जैसे ऐसे लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है कि इस वक्त ग्रोथ और बॉडी का डेवलपमेंट काफ़ी स्लो होता है, चाहे वो हाइट हो या वेट हो. आफ्टर दैट जो फेज़ आती है दैट इज़ एडोलेसेंस, दैट इज़ आफ्टर 11-12 से लेकर के 18-19 साल तक का जो पीरियड होता है, दैट पर्टिकुलर एज इज़ नोन एज एडोलेसेंट पीरियड. एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ फिजिकल डिफ्रेंसिएशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बिगिन टू अपीयर द secondary sexual characteristics. It begins around the age of 11 to 12 and last up to 18 to 19. मतलब after childhood जैसे 11 से 12 साल तक के, उसके बाद ये एज जो स्टार्ट होती है adolescent की एज है, और puberty भी इसी adolescent की एज में आता है. एंड ये कब तक के लास्ट करता है, टिल 18 to 19, और पर्सन टू पर्सन थोड़ा 1-2 साल वराई भी करता है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, दैट इज़ 12 to 18, ये जो 12, 13 और 18, 19 की एज है इसको टीन एज भी कहते हैं. तो एडोलेसेंट को टीनेजर एज भी कहा जाता है, और प्यूबर्टी भी इसी का एक पार्ट है. राइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड girls grows into the young woman and boys into the young men. In girls, adolescent begin a year or 2 years earlier than in boys. So here what's happened ki aap dheere dheere fir bade hone lagte ho, you begin to take the shape of a man and women. और जो गर्ल्स होती हैं उनमें इन कंपैरिजन विद द बॉयज़ जो एडोलेसेंट की एज होती है वो 1 साल या 2 साल पहले से आना शुरू हो जाती है. राइट, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ एंड फिजिकल जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, मेंटली आपकी इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, इमोशनली आप चेंज हो जाते हो, सोशल चेंजेस आते हैं, एंड यू गेट सेक्सुअली मैच्योर. आफ्टर दैट प्यूबर्टी भी इसी एडोलेसेंट की एज का पार्ट है. इट इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंट व्हेन बॉयज़ और गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब ये वो वक्त है जब आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो वर्क करने लगते हैं प्रॉपरली, मीन्स फंक्शन में आ जाते हैं. स्टार्ट एट द एज ऑफ 11-12 इन गर्ल्स, गर्ल्स पे थोड़ा पहले होता है एंड कंपैरिजन विद द बॉयज़, एंड 14-15 ईयर्स इन
इन बॉयज एट द एंड ऑफ प्रोबर्टी इन मेल्स. फिर इस एज के ख़त्म होते होते क्या होता है कि जो टेस्टीज होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं और जो फीमेल की ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज करने लगते हैं, राइट. फिर जो फोर्थ स्टेज आती है दैट इज़ द अडल्टहुड. अडल्टहुड फिर ये 18-19 के बाद का आपकी जितनी भी लाइफ है वो अडल्टहुड में आती है. ड्यूरिंग अडल्टहुड एन इंडिविजुअल अटेन इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब अब आप क्या होते हो, काफ़ी समझदार हो चुके होते हो एंड इमोशनली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख चुके होते हो. फुल फिज़िकल ग्रोथ मींस आपकी बॉडी का जितना भी डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट, वो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है. एंड अ स्ट्रॉन्ग विजन फॉर फ्यूचर, और आप अपने आने वाले कल के लिए ज़्यादा सोच रहे होते हो. ड्यूरिंग दिस फेज स्टेबल रिलेशनशिप इंटेलेक्चुअल्स एंड करियर परसुएट्स एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक प्रायोरिटीज, मतलब आप एक समझदार एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो. ऑन कीपिंग ग्रोइंग इंटेलेक्चुअली, और आपका जो समझदारी है माइंड है वो ग्रो करता है, समझदार बनते हो, इमोशनली स्टेबल एंड सोशल भी हो जाते हैं आप थ्रू आउट द लाइफ. As one become older, the body show negative growth. और धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी बूढ़ी होती है. एंड एट अ टाइम कम वेन वी एक्सपायर, राइट. तो दीज वर वॉट दीज, ये चार फेसेस थे लाइफ के कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है. फिर एक अडल्टहुड में आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी डिग्रेड करना शुरू कर जाती है. ओके अब हम जो एडोलसेंट के कैरेक्टर्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे. उससे पहले समथिंग मोर देख लेते हैं. टर्म एडोलसेंट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसेंस विच मीन्स टू ग्रो टू मेच्योरिटी. एडोलसेंट का मतलब है वो, उसकी मीनिंग यही है कि मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना. एंड एडोलसेंट इज नीदर अ चाइल्ड नॉर अ मेच्योर अडल्ट. तो एडोलसेंट जो, जैसे आप ना तो बच्चे हो और ना ही आप एक मैच्योर अडल्ट की कहा जाए कि आप एक समझदार व्यक्ति हो, तो नहीं. तो अभी आप एडोलेसेंट की एज में हो कि ना तो आप बच्चे हो और ना ही आप समझदार. सो यू आर इन दैट पर्टिकुलर पीरियड जहाँ पे आप एडल्टहुड की तरफ जा रहे हो एंड यू आर लर्निंग न्यू एवरी डे. और आप अपने आप को किस हिसाब से इस एज में ढाल सको, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. तो एडोलसेंट एंड अकम्पनिंग चेंजेस, कि एडोलसेंट के साथ साथ क्या चेंजेस आते हैं. ये ट्रांसिशनल पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक पीरियड है एंड इट एंड्स विद अटेनिंग द सेक्शुअल मेजॉरिटी. और जब ये ख़त्म होता है तो उसको ख़त्म होते होते क्या होता है कि इंसान सेक्शुअली मेच्योर हो चुका होता है. दिस फेज ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल. अब इसमें हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से चेंजेस आते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो फंक्शनिंग करने लगता है. सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल. तो ये सारे चेंजेस हमारी बॉडी में इस एज में पाए जाते हैं. तो पहले हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस. सो द फिज़िकल और बायोलॉजिकल चेंजेस दैट बिगिंस इन द बॉडी ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉजेज गर्ल्स टू ग्रो इनटू द यंग वुमेन एंड बॉय टू ग्रो इनटू द यंग मैन. मतलब ये वो स्टेट होती है जहाँ पे आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो. जैसे आप अपने मम्मी पापा या अपने से बड़े लोगों को देखते हो तो आप उनकी वो कैरेक्टर्स, वो फिज़िकल कैरेक्टर्स एक्वायर करना शुरू कर देते हैं एडोलेसेंट की एज में आते आते. तो सबसे पहला है ओवरऑल ग्रोथ एंड इंक्रीज इन हाइट. ये टाइम ऐसा होता है कि आपकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है एंड मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स. और जैसे क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ बढ़ती हैं बहुत तेज़ी से, आपके लेग्स हैं, आर्म्स हैं. तो बाय द एज ऑफ 18, तो 18 की उम्र तक आते आते जो आपकी एक हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट हो जाती है कि अब आपकी यही हाइट मैक्सिमम रहनी है. चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी के शेप में क्या बदलाव आता है बॉयज़ और गर्ल्स में. इन बॉयज़ उनकी मसल्स ग्रो करना शुरू करती हैं, मसल्स बिकम मोर डोमिनेंट. उनके शोल्डर लड़कों के चौड़े हो जाते हैं और कमर इन कंपैरिजन विद द शोल्डर थोड़ी सी वाइडर हो जाती है. गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी जो वेस्ट लाइन है वो नैरो होती है और पेल्विक जो कि हिप रीजन है वो ब्रॉड और वाइड हो जाता है. वाइल देयर इज़ इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट. और जो मेमोरी ग्रैंड होते हैं उनका फॉर्मेशन एडोलेसेंट की एज में गर्ल्स में शुरू हो जाता है. चेंज इन वॉइस
वॉक्स एंड वॉइस. अब आवाज़ में क्या चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की. इन बॉयज़ द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स ग्रो. तो जो ये वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रो करता है एंड प्रोड्यूस आउट इन द थ्रॉट रीजन. तो वो बाहर की तरफ थ्रॉट के रीजन में निकलने लगता है. एज एडम्स एप्पल, जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, अपीयरेंस ऑफ एडम्स एप्पल मार्क द एंड ऑफ एडोलेसेंट इन बॉय. और जब ये जो एडम्स एप्पल है ये अपेयर कर जाता है तो एडोलेसेंट की जो एज है वो ख़त्म होने लगती है. बिकॉज ऑफ लार्ज लैरिंग्स बॉयज वॉइस बिकम डीप. एंड इसी वजह से जो लड़कों की आवाज़ होती है वो कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, हार्श हो जाती है. इन गर्ल्स लैरिंग्स इज स्मॉलर देर इन बॉयज. तो और गर्ल्स में क्या होता है कि जो ये लैरिंग्स होता है ये स्मॉल होता है, इसीलिए लड़कियों की आवाज़ हाई पिच्ड होती है और मीठी आवाज़ होती है. ठीक है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबिशियस इन ऑयल ग्लैंड. उसके अलावा हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड हैं, सेबिशियस ग्लैंड है, ये एक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से पिम्पल्स चेहरे पे आना, एक्ने होना, ये कॉमन होता है एडोलेसेंट की एज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ, कि उनके चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं. सेक्सुअल मैच्योरिटी, कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं. जो टेस्टीज है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, वो सिक्रीट होता है. और ओवरीज में जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है. तो ये सारे क्या हो गए, ये फिजिकल चेंजेस हो गए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट फोर्थ में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी तक की जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, गो थ्रू विद दिस. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं. And thank you everyone for watching the video. And please wait for the next video. That will be the fourth part, जिसमें मैं इसके आगे के topics को cover करूँगी. Thank you everyone. Have a good day.